लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और अब खाना भी खुल चुका है और सब खाना खा रहे हैं। मैं और दीदी अभी भी हम लोग घर पर ही है और यहाँ देख जो बनी थी यहाँ सारी वो हैं, पापा लोग सारे सर्व कर रहे हैं, भाई भी है, सब है, तो सब यहाँ है। दीदी भी रेडी है और आई होप कि सब अच्छे लग रहे हो और ज़रूर कमेंट में बताना कि सब कैसे लग रहे हैं, ठीक है। अब जाते हैं लोकेशन पे, वहाँ मिलते हैं के पास। तो यहाँ खाना, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था, खुल चुका है और खाना क्योंकि खुल चुका है तो सब खाना खा रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं और बारात आ चुकी है, बारात आगे बैठी भी है और दीदी तो अभी पेट पूजा कर रही है, दीदी के साथ बाकी सारे भी पेट पूजा कर रहे हैं, मम्मा भी, मम्मा ये रही, मम्मा भी खा रही है और हाय कर दो सारे बच्चे, हाय कर दो, हाय। ये बच्चा मेरा फैन है बहुत बड़ा, ये मेरे टिकटॉक्स पे मुझे फॉलो करता है और यहाँ मेरे साथ ना वीडियो बना रहा है ना मेरे साथ आ रहा है वीडियोस के लिए, पिक्चर्स के लिए, पर ये मेरा फ़ैन है तो इसलिए। अब सब खाना खा लें और हम लोग भी खाना खा लें, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभिया का फुल ड्रेस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, अभिया दिखाओ फुल ड्रेस। ये तीनों ही इवेंट में रेडी हो चुकी हैं और इन तीनों ने कहा कि हमें दिखाना है, हमें रिवील करना है कि हमने क्या पहना है, और अभिया ने लहंगा पहना है और इन दोनों बहनों ने फ्रॉक्स पहनी है। तो चलो कौन कम गए भी थे वहाँ, तो अब मिलते हैं हम लोग जब पेट पूजा करेंगे उसके बाद। ये पंजाब की रोटी है और चावल पुलाव है और कोरमा बिरयानी नान है और ये घर पर ज़बह किया हुआ जानवर का गोश्त है और दो तीन तरह का सालन भी है पर हम लोगों ने बस ये लिया है और रेशन सैलड भी है और काफ़ी चीज़ें हैं बाकी। मिलते हैं ब्रेक के बाद, अब पेट पूजा कर लें, भूख लगी हुई है। तो मैंने जो ड्रेस पहना है अभी आप देख सकते हो और मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमने लाचा पहना हुआ है और नजर कुछ भी लाचा। हाँ अब आओ, ये लाचा है हमारा, ये पूरा फाइनल लुक है। और किसने ये लाचा स्टिच किया है मैं अब आपको वो दिखाती हूँ। और ये मेरी मासा, कल मेहंदी वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था और मासा ने मेरा लाचा स्टिच किया है और डिज़ाइनिंग मेरी थी, बताया मैंने ही था कराची से, पर मेरी मासा ने सेम उसी तरह एडजस्ट किया है। और अगर कोई सिलवाना चाहे तो मासा से कांटेक्ट कर सकता है, सही है ना, जो गुजरा वाला के है और बता सकते हैं आप। क्यों मार है दीदी को, चला मेरे साथ वीडियो बना। आपने मेरे साथ वीडियो क्यों नहीं बनाई, नहीं बनाई। सो यहाँ हो चुका है निकाह स्टार्ट और निकाह भी हॉल में ही हुआ है और मैं पंजाब में हूँ, कटर गांव में हूँ, तो इस वजह से यहाँ मोटर की आवाज़ और बाकी सारी आवाज़ें भी थी और यहाँ नेट भी सही नहीं चल रहा, तो इस वजह से मैं ज़्यादातर व्लॉग बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ। और सेकंड बात यह है कि निकाह हो चुका है और अब लड़की के लिए प्रेयर हो रही थी यहाँ पर और साथ साथ सब कुछ चल रहा है, बाकी शोर बहुत ज़्यादा था और इसलिए। और अब यहाँ भाई सिग्नेचर कर रहे हैं और मामू फिर उसके बाद पहनाएंगे वॉच भाई को, दुल्हा भाई को मतलब के। सो और सब इनकी न्यू लाइफ के लिए ज़रूर दुआ करना कि खुदावन इनकी न्यू लाइफ में इन्हें बरकत दे, ब्लेसिंग से, और ये नए जोड़ा खुदावन में बड़े फले और तरक्की करें और खुदावन की शुक्रगुजारी करता है। मुझे बहुत ये अच्छा मोमेंट लगता है जब लड़की लड़का सिग्नेचर करते हैं, वहाँ एक दूसरे को अपने ज़िंदगी में कबूल करते हैं और वेलकम कहते हैं, तो यहाँ लड़की भी सिग्नेचर कर रही है और यहाँ मामू ने वॉच पहना दिया। सो बहुत ज़्यादा शोर था और मैं नहीं चाहती थी कि बाकी सारी आवाज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ, तो इसलिए मैंने अपनी वॉइस आपके साथ शेयर की है। और यहाँ केक कटिंग होने लगी है, तो
केक कटिंग के टाइम पे मैं वीडियो इसलिए नहीं ज़्यादा बना पा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था और सभी आगे आ गए थे वीडियोज़ के वीडियोज़ और पिक्चर्स के लिए, तो इसलिए। और ये भाई की तरफ के सब बॉयज़ थे जो कि बहुत खुश थे या शायद बहुत एक्साइटेड थे, तो इसलिए वो नज़र आ रहे थे। और बस यहाँ भाई अब इसका क्या कहते हैं घूंघट उठाने लगे हैं, तो फिर देखिए भाई घूंघट उठा रहे हैं उसका। और गुड्डी बहुत प्यारी लग रही थी हमारी। और इसके बाद अब होने लगी है केक कटिंग की रस्म, हो चुकी है। और बस मैं बहुत कट 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 करके आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि ज़्यादा ऐसे लॉन्ग व्लॉग हो जाता है, तो मैं नहीं चाहती कि इतना ज़्यादा लॉन्ग व्लॉग हो जाए कि आप लोग बोर हो जाओ। तो आप लोग बोर ना हो ना, इसलिए हम इंजॉय करते रहेंगे। और यहाँ मेरे पास मेरी अपनी बच्चियाँ भी बर्तन धो रही हैं, तो उन बर्तनों की और मशीनों की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आएंगी। सो हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो यहाँ फेंका जा रहा है बुके, और बुके कैच किया मैंने, पर पीछे से भाई लंबू थे और भाई ने खींच लिया, तो बड़ी साहब ने मुझसे बुके पकड़ लिया था। और सेकंडा फिर से बुके फेंका और फिर बुके बहुत ज़्यादा दूर गया, तो फिर भी मुझे एंड पर यही सुनने को मिला ये बुक्का बॉयज़ का नहीं है। अब बारात क्योंकि ख़त्म हो गई है, और ये मेरे बड़े मामू हैं और ये सेवा कर रहे हैं घर की सारी सफाई करते हैं। पहले यहाँ पे सारे चेयर्स और टेबल्स लगे हुए थे, सब ने बारातियों ने बैठ के खाना खाया, पर अब ये देख ले आप, ये सबसे बड़ा सबूत है कि मामू ने सारा नीट एंड क्लीन कर दिया। दूसरे मामू ने भी, और यहाँ पापा भी काम कर रहे हैं, सब काम करने में लग चुके हैं क्योंकि कल है वलीमा, और वलीमे पे सब जाएंगे और एंजॉय करेंगे खूब सारी। और यहाँ अब्दिया और सारे बच्चे, ये देखे ये मामू जो हमारे साथ साथ आए थे, ये हमारे वो मामू है, और मामू भाग रहे हैं हमारे व्लॉग में आने के लिए। और अरे 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 जाते हैं हम रूम में और दिखाते हैं कि कौन कौन है रूम में। सब बड़े बड़े रूम में बैठे हुए हैं, तो जो के हम करेंगे बड़ा। मामू है और ये मामू हमारे सफाई कर रहे हैं। ये हमारे सारे सारे मामुओं ने ना जिम्मेदारी उठा ली है कि बेटियाँ क्योंकि तैयार श्यार हुई हुई है ना, तो कोई भी किसी की मेहंदी ना उतरे, किसी की ज्वेलरी ना उतरे, इसलिए हमारे सारे मामू हमारे लिए काम कर रहे हैं, सफाइयाँ कर रहे हैं। और ये कचरा एक साइड में जमा कर दिया, कितनी शर्म वाली बात है कि मामू ने सारा कचरा एक साइड में कर दिया। और ये हमारे भट्टी साहब, बहुत मशहूर वाले भट्टी साहब, ओके ये मामू मेरे से मस्ती कर रहे कि मैं कैमरा बंद करूं, पर मैंने कैमरा बंद नहीं करना। और ये हैं भट्टी साहब, हमारे भट्टी साहब, हमारे भट्टी भाई, मीन्स से आई एम ऑलरेडी भट्टी ना, तो इसलिए ये भट्टी है। और ये भाई भी हैं, और बहन बहन की हाँ वो है, तो ऐसे हमारे दो दो रिश्ते हैं। और ये खाला हैं, ये भी खाला है, और यहाँ भी खाला ही बैठी हैं। ठीक है, खाला मेरी बहुत ज़्यादा ही नज़र आएंगी, थोड़ी नहीं आएंगी, बहुत ज़्यादा खाला और मामू नज़र आएंगे। यहाँ जितने भी हमारे पंजाब के रिश्तेदार हैं ना, ज़्यादा खाला और मामू ही आप लोगों को नज़र आएंगे। तो अब मिलते हैं ब्रेक के बाद, चेंज कर लूँ मैं क्योंकि अब मेरे कानों में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, तो मैं बस ज्वेलरी उतारूँगी अब। ये आया है छुपा हुआ, पता नहीं किधर छुपा हुआ था, ये अभी निकल के आया है सुरंग से बाहर। और यहाँ साथ ही ब्राइडल ने चेंज कर लिया था और रुखसती होने लगी है, तो इसलिए अब सब मिल रहे थे उससे। तो फिर रुखसती स्टार्ट हो चुकी है, और ये खाला मिल रही हैं, और सभी आहिस्ता आहिस्ता मिलेंगे, भाई, माँ और मामा सबसे पहले उसकी मिली थी,
और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब मिलना स्टार्ट हो चुके थे और मुझे में हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे मिलूँ, तो इसलिए मैं नहीं मिली थी उससे, बाकी सब उससे मिले थे। और आज जब वो आई है तो आते सार सबसे पहले वो मुझसे मिली है, क्योंकि उससे बहुत मतलब अभी भी हम लोग तकरीबन एक डेढ़ का टाइम हो रहा है जब कि मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ अब, तो वो मुझे जब मिली और मतलब जब हम लोग साथ थे तो वो बहुत स्पेशल फील, हम लोग एक साथ कर रहे थे और ये मोमेंट बहुत सैड मोमेंट होता है और अपनी लाइफ का बहुत हार्डली मोमेंट होता है। तो इस मोमेंट पर खुदावन सब बेटियों को हिम्मत दें अपने घर से जाना, और बहुत हिम्मत वाली बात है। और ये भी एक रस्म भी होती है, और मतलब वो गाड़ी में बैठ चुके थे और अब सब भाई साथ खड़े हैं कार के पास, तो बस ये वो चीज़ हो रही है। और बस हो चुका है नेक्स्ट डे और मम्मा लोग जा रहे हैं वलीमे पे, और सब बड़े बड़े जा रहे हैं, बच्चे कोई नहीं जा रहे। तो मम्मा लोगों का ये लुक है और अब जाने लगे हैं मम्मा लोग और बाकी सारे भी, तो सिर्फ चार पांच लोग जा रहे हैं। तो बताना मम्मा कैसी लग रही है। मम्मा ने क्रिम्पल करके और नीचे से रोलर की है, तो बस। और बाकी हम बाद में दिखाएंगे आपको, ठीक है ना।